तो दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के लिए वीवो के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके जो डील्स हैं आज फिलहाल यहां पर रिवील हो गई हैं। आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूं कि वीवो का कौन सा स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिलेगा, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अगर आपने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कुछ जो बेस्ट स्मार्टफोन है उनकी जो डील्स हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो एक बार उसको भी आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से बात करें वीवो की तरफ से कुछ डील्स के बारे में जो कि आज फिलहाल यहां पर रिवील हो गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T3 Lite 5G स्मार्टफोन है वो कुछ यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 9,499 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। वीवो T3 5G जो स्मार्टफोन है 15,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है। इसके साथ में वीवो T3 Pro जो स्मार्टफोन है वो 21,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है। ये वीवो का एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7S Zen 3 देखने को वाला है। तो स्मार्टफोन काफी अच्छा है, अगर आप EMI करवाते हैं तो नो कॉस्ट EMI आपको देखने को मिल जाएगी और 3,667 रुपए मंथली से EMI जो है वो फिलहाल यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप Vivo V40 सीरीज को कोई लेना चाहता है तो Vivo V40 जो स्मार्टफोन है 34,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में। Vivo V40 Pro जो स्मार्टफोन है 49,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स पे आपको नो कॉस्ट EMI भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में Vivo X सीरीज के बारे में बात करते हैं, Vivo X100 और Vivo X100 Pro। Vivo X100 जो स्मार्टफोन है 63,999 की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको यहां पर Vivo X100 Pro जो स्मार्टफोन है 89,999 की प्राइस पर रहने वाला है। Vivo की तरफ से आने वाला Vivo Y80 आई जो स्मार्टफोन है 7,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है। वीवो की तरफ से आने वाला वीवो Y28S 13,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन वीवो Y200E जो मैंने आपको काफी टाइम पहले ही बताया था इस स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा है, मात्र और मात्र 19,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन आपको मिलेगा। वीवो Y200 जो स्मार्टफोन है 22,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें कुछ और स्मार्टफोन डील्स के बारे में, अगर आप वीवो की तरफ से रिसेंटली स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है वीवो T3 अल्ट्रा, ये स्मार्टफोन 28,999 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ये स्मार्टफोन डील्स हैं जो कि आज फिलहाल फ्लिपकार्ट ने उनके अपकमिंग बिग बिलियन डे सेल के लिए रिवील कर दिया है। और अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को जाकर के आज से ही खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन अपनी सेल प्राइस पर लाइव हो चुके हैं। अब अगर आप इस सेल में देखेंगे तो वीवो के कुछ जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, कुछ जो स्मार्टफोन है उनपे उतना ज्यादा डिस्काउंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो जाकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यार फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का वेट कर लो, 26 से सेल स्टार्ट है, क्योंकि अभी चीजें क्या है कि हो सकता है कि कुछ नए मॉडल्स भी आपको देखने को मिल जाए या फिर और भी स्मार्टफोन अभी रिवील होने वाले हैं अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से। तो जब वो स्मार्टफोन रिवील हो जाएंगे तो आपके साथ में ऑप्शन हो जाएगा, आप दूसरे स्मार्टफोन को भी उस बजट में देख लेंगे। दूसरी चीज, सेल अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी ज्यादातर स्मार्टफोन आउट ऑफ द स्टॉक मिल रहे हैं। भले ही ये लोग कहें कि सेल प्राइस लाइव हमने कर दिया आप जाकर के ले सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन आउट ऑफ द स्टॉक है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको वीवो के स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा लगा, किस फोन की प्राइस काफी अच्छी लगी, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। दूसरी चीज, कुछ बेस्ट स्मार्टफोन लिंक्स का जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डील्स का, जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब